फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। जैसे कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एक खबर है और ट्राइबल विभाग में अतिथियों की भर्ती से संबंधित खबर भी है। इसके अलावा एक दो खबरें और भी हैं। मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो आइए हम इन खबरों को डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, DPI में भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी हुए थे। 7 जुलाई की वो खबर है। और इसी प्रकार से ट्राइबल विभाग में भी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के भर्ती के आदेश जारी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश, ये भोपाल समाचार की खबर है 19 जुलाई। तो इसको देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कमिश्नर ने ट्राइबल के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसी पॉलिसी का पालन किया जाएगा जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को जारी की गई है। मतलब कि जो ऑलरेडी कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक, उनका ही जो काम है वो एक्सटेंड किया जाएगा, जैसा कि DPI विभाग में हुआ था। आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी है। निर्देशित किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु 26 जुलाई 2021 को SMDC की बैठक का आयोजन करते हुए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के समान GFMS के माध्यम से की जाए। जनजातीय कार्य विभाग की जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो, उस स्थिति में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए जिसमें जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अथवा जिला संयोजक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र को शामिल किया जाए। यह समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल में से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करेगी। तो ट्राइबल में भी अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इसमें कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है चयनित अभ्यर्थियों को, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं शालाओं में। तो कैंडिडेट्स टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है करीब 1 लाख के आसपास। ओवरऑल अगर देखें तो रिक्तियां होंगी और भर्ती होना है 10-15 हज़ार लोगों की। तो बाकी लोगों की तो व्यवस्था चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसलिए इनको रखा जा रहा है। अब वर्ग 3 वालों के लिए भी ये खबर है, और जो पुलिस भर्ती है, कांस्टेबल और टीचर भर्ती परीक्षाएं, इनके लिए भी खबर है कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए PEB ने की सभी परीक्षाएं रद्द। तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए मौजूदा वर्ष में PEB कोई एग्ज़ाम आयोजित नहीं करेगा। मौजूदा वर्ष मतलब 2021। अभी 5 विभागों के प्रस्ताव हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षाएं कराने का आग्रह किया है, लेकिन इससे मंडल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बता दें कि पिछले वर्ष दिसंबर में मंडल द्वारा अंतिम प्रवेश परीक्षा करवाई थी, तब से अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई। मतलब ये 2021 ऐसे ही निकलने वाला है बिना किसी परीक्षा के। जनवरी और फरवरी में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही थी और तभी दूसरी लहर ने सभी मंशाओं पर पानी फेर दिया था। मंडल का कहना है कि जून महीने से तैयारियां शुरू की गई थीं, लेकिन अब तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जो भी भविष्य के परीक्षा कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है। क्योंकि अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर कहीं से भी परीक्षाएं कराना संभव नहीं होगा। बोर्ड का कहना है कि कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई थी, तो माहौल अगर सही होता, तीसरी लहर की संभावना नहीं होती, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर तक तो हो जाती ये परीक्षाएँ। लेकिन ये अभ्यर्थियों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तीसरी लहर का ये नहीं है कि आ ही जाए, लेकिन उसकी संभावना है, तो इसलिए उन्होंने इसको, आप मान सकते हैं, एक्सटेंड किया है।
अधिकारियों का कहना है कि दो में से एक एजेंसी यह परीक्षा करवाएगी। एक चिंता यह है कि जिन केंद्रों पर व्यापम द्वारा परीक्षाएं कराने की तैयारियां की गई हैं उनमें से कुछ केंद्र रेलवे द्वारा भी अपनी परीक्षाएं कराने के लिए अधिग्रहित कर लिए गए हैं। तो ये तो पीवी की गलती है कि भाई इन्होंने पहले क्यों नहीं कॉन्टैक्ट किया, ये कॉन्टैक्ट कर लेते सेंटर बना देते, है ना। जब रेलवे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो वो काम। तो परीक्षाएं तो करवानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन का काम है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। विशेषज्ञों से सलाह के बाद ही परीक्षाएं, मंडल का कहना है कि विशेषज्ञों से बात करने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा आगे अभी कोई परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस समय परीक्षाएं कराना किसी चुनौती से कम नहीं, कारण है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोशिश यही की जा रही है कि अगर आगे जो भी परीक्षाएं हो तो उसमें 100% विद्यार्थी टीका लगवा के ही शामिल किए जाएं। तो ये तो अभ्यर्थियों को अब ध्यान देना है कि टीकाकरण ज़रूर करवा लें। परीक्षा तो आगे होगी भविष्य में, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें। और इससे दो फायदे हैं, एक तो आपको एग्ज़ाम में एंट्रेंस मिल जाएगी, दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको कोरोना से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। नेक्स्ट खबर जो है वो है स्कूलों के खुलने से संबंध में। जुलाई में 2 और अगस्त से सप्ताह में 4 दिन लगेगी क्लास। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लेगी 26 जुलाई से 11वीं 12वीं के स्कूल खोलने का अंतिम फैसला। तो आपको पता है कि जो पहले घोषणा हुई है कि 26 जुलाई से 11वीं 12वीं के क्लासेस स्टार्ट करने का चल रहा था, तो उसके बारे में अंतिम फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी। और इसमें कंडीशंस रखी गई हैं कि जिन जिलों में कोरोना का एक भी मामला नहीं है वहीं पर स्कूल खोले जा सकेंगे। मतलब जहां एक भी मामला है वहां स्कूल नहीं खोला जाएगा, रिस्क रहेगी उसमें। लेकिन इस संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर आपस में चर्चा कर लोगों को विश्वास में लेकर स्कूलों का संचालन शुरू करेंगे। बच्चों के स्कूल आने के लिए पालकों की सहमति जरूरी होगी। तो बिना गार्जियन की सहमति के बच्चे को स्कूल वाले ज़बरदस्ती बुलवा नहीं सकते हैं कि भाई आपको आना ही है, इस तरह का आदेश नहीं निकाल सकते हैं। अगर गार्जियन पेरेंट्स सहमति देंगे तभी बच्चा जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ कक्षा शुरू होगी। जुलाई में सिर्फ 2 दिन कक्षाएं लगेंगी। 26 जुलाई के बाद अगले दिन कक्षा कब लगेगी यह स्कूल तय करेंगे। अगस्त माह के पहले सप्ताह से 50% क्षमता के साथ 2-2 दिन की कक्षाएं लगाई जाएंगी। कक्षा के 50% छात्र पहले दिन और बाकी 50% अगले दिन आएंगे। इस प्रकार सप्ताह में 4 दिन ही कक्षाएं लगेंगी। कक्षा में छात्रों को एक कुर्सी छोड़कर बैठाया जाएगा, उन्हें मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा। तो ये सब प्रोटोकॉल बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि स्कूल्स इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं या नहीं। क्योंकि शुरुआत में तो मान लीजिए उन्होंने कर भी दिया नियम को फॉलो, लेकिन फिर कहीं लापरवाही ना कर दें। और लापरवाही ख़ास तौर पे भारत में तो बहुत ही लाजमी है। हर दूसरा व्यक्ति लापरवाही करता है। एक दो दिन अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो उनको लगेगा कि नहीं यहाँ तो कोरोना है नहीं, फिर लापरवाही करने लगेंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार को सख्ती से निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।